व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन एंड आप सभी को गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं जल्दी ही बना लेती हूँ क्योंकि सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज डिनर में बनने वाला है एक करी, सिंपल एक करी, बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने वाली हूँ, कुछ ताम झाम नहीं करने वाली हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे बोला था कि फूड ब्लॉग बनाना करके, तो फिर मैंने सोचा, पहले चिकन का बना चुकी हूँ तो मैंने सोचा अब एक बना रही हूँ तो एक करी बना रही हूँ तो सभी ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस कैसे बनाती हूँ सिंपल करी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे बनता है, फिर बने रहो। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मेरा किचन देख लो, यहाँ बनाऊँगी, ठीक है। देख सकते हैं, सिंपल बनाने के लिए मैंने बारीक प्याज काटा है और मिर्ची। तो गाइस देख सकते हैं मैंने तैयारी कर ली है बनाने के लिए। ये 3 अंडे हैं, क्योंकि 3 इसीलिए क्योंकि हम 2 हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम एक एक ही खाते हैं और तो एक एक्स्ट्रा। और ये टमाटर है बारीक कटा, प्याज बारीक कटा, और ये है मिर्चा। बस इतने से ही मैं बनाने वाली हूँ सिंपल, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बनता है। और तो गाइस अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं दिखाऊंगी आप सबको कि मैं कैसे बना रही हूँ, स्टार्टिंग से सब चीज़ दिखाऊंगी। इधर ये और इधर आलू है, आलू भी है, आलू भी उबाल के रख दिया था और छील के भी रख दिया है, मतलब फ्राई करूंगी दोनों को। उसके बाद में जो भी है कार्यक्रम करने वाली हूँ तो बने रहो। सबसे पहले मैं गैस जला लेती हूँ, इसलिए करती हूँ जला ली। अब मैं कढ़ाई बना लेती हूँ, गर्म होने देती हूँ थोड़ा। कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, अब इसे गर्म होने देती हूँ, फिर तेल डालूँगी, फिर अंडे को फ्राई करूँगी, कि आलू को फ्राई करूँगी, फिर मैं बनाने स्टार्ट। गैस मेरी कढ़ाई तो गर्म हो रही है, तो किस किस के साइड बारिश हो रही है बताना। मेरे साइड तो बहुत बारिश हो रही है, मेरे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, धोने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, गंदा रखने का मन भी नहीं करता। तो किसके साइड बारिश हो रही है, और जसपुर के जो भी है चौरापुर आता है हमारे लिए बोड़ा पुट्टू कुखड़ी जो भी बोलते हैं वो लेके ज़रूर आना। देख सकते हैं मैंने कढ़ाई पर तेल डाला है एक को फ्राई करने के लिए, अब मैं एक फ्राई करूँगी। तो गाइस एक फ्राई करने से पहले मैं ना तेल में हल्का हल्दी डाल लेती हूँ ताकि एक ना चिपके करके, मैंने ऐसा सुना है इसलिए मैं करती हूँ, अब नहीं पता ऐसा अच्छा कि नहीं। तो अब मैं एक डाल रही हूँ, मैं इसे करती हूँ। तो गाइस मेरी एक फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं सही दिख रहा ना। अब मैं करने वाली हूँ आलू फ्राई, इधर आलू है तो आलू को भी हल्का फ्राई कर लेती हूँ। बैकग्राउंड साउंड तो मैं भी ना करेगा इसलिए बटन पड़ा करेंगे थोड़ा, क्योंकि तेल छिटक गया मेरे ऊपर जल्दबाजी में। गाइस आलू भी फ्राई हो चुकी है, इसे निकालती हूँ, ये अच्छा कलर दिख रहा है इसका भी। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, दोनों फ्राई हो चुका है, टिंग टिंग खाने आइए आप सभी। तो गाइस सभी क्या डालेंगे, अभी मैं डालने वाली हूँ करी पत्ता, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ठीक। ये तेल कम पड़ गया, तेल डाल लेती हूँ थोड़ा, तेल भी खत्म हो गया मेरा, गाइस सबसे पहले मैं जीरा डाल लेती हूँ हल्का, ये भी डाल लेती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं, अभी ख़त्म हो गया, हमने शॉपिंग करने गए नहीं अभी बहुत दिन से। तो अब मैं डालने वाली हूँ मिर्ची। गाइस मैंने प्याज, तो गाइस मैंने प्याज भी डाल दिया, देख सकते हैं। अब मैं इनको
ब्राउन होने देती हूँ हल्का। उसके बाद हल्दी वल्दी, हल्दी जीरा पाउडर सब मसाला वगैरह सब डालूँगी। उसके बाद इतना प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है और मैं इसमें हल्दी डालने वाली हूँ। हल्दी वल्दी मतलब जो है मेरे पास, मेरे पास इतना ही है अभी तो अवेलेबल मेरे पास नहीं है, तो मैं इतना ही चीज़ डालने वाली हूँ, इतना ही चीज़ बनाने वाली हूँ। एक बड़ी सिंपल एक हल्का डाल देती हूँ हल्दी कलर के लिए, जीरा पाउडर डाल देती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कलर तो अच्छा दिख रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, पकने देते हैं थोड़ा। गाइस प्याज और जो मैंने हल्दी जीरा पाउडर ये सब डाला था ना, वो भी लगभग पक चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर, जीरा मेरा टमाटर। अब टमाटर को पका ले, टमाटर को पका लेती हूँ। उसके बाद मेरे को कोई बोला था माही की डेली ब्लॉग किया जा रहा, डेली ब्लॉग की मुझे वापस करने नहीं मिलता है। हमारे लोग में कोई एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, हम हमारे दोनों लोग रहते हैं तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, खाओ, धो, तैयार हो, ड्यूटी जाओ, फिर शाम को आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ। सो फिर मॉर्निंग उठो, बस इतना ही, मतलब कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं करती हूँ, बट कभी अगर लगे कि हाँ आज हमारे हमारा रूटीन अलग हो रहा है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। शिकायत नहीं, शिकायत का मौका नहीं दूंगी आप सबको। तो अभी बन रहा है मेरा टमाटर, देखते हैं क्या हाल है। लगभग टमाटर गल चुका है, चला के देखते। तो अभी मेरी फ्रेंड ड्यूटी से आई नहीं है तो मैं पहले खाना वाना बना लेती हूँ, उसके आने से पहले फिर आती है, फिर हम साथ में बैठ के खाते हैं बस। फिर अपना अपना मोबाइल चलाओ या फिर पढ़ना है पढ़ो, जो करना है पढ़ो, सो जाते हैं मॉर्निंग का। फिर भाई तो बस इतना ही है। देखो ये भी लगभग तैयार हो चुका है, मैं इसमें डालने वाली हूँ अंडे। एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल एच के माही, एक और एक नए ब्लॉग के साथ। आज का मेरा ब्लॉग है फूड ब्लॉग, और आज मैं बना रही हूँ एक करी जिसे खाना है आ जाए। तो गाइस देख सकते हैं ये कैसे बन चुका है, और तो इसमें करी के लिए मैं इनका पानी डालती हूँ, इनका पानी डालती हूँ, ज़्यादा डालती हूँ सरकार का, और नमक को अपने स्वाद अनुसार डालूंगी ना, वो थोड़ा देती हूँ बलने तक, हल्का वैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इतना पानी डालती हूँ ये कि थोड़ी देर बॉल होने के बलने तक गलने पर छोड़ देती हूँ, उसके बाद हल्का नमक डाल लेती हूँ अनुसार। तो गाइस फाइनली मेरा एक करी बन चुका है, देख सकते हैं। तो देख लिया आपने कैसा दिख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आप सबने देख ही लिया कि मैंने कैसा बनाया सिंपल एग करी, और दिखा भी दिया आपको कैसे दिख रहा था, कैसा लगा देख के, टेस्टी है कि नहीं, मतलब खाने के बाद पता चलेगा। तो बस हम ऐसे ही सिंपल बना के खाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा सब कुछ नहीं डालते, मुझे कभी बनाने में उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो सबके बनाने का तरीका अलग अलग है, और मैं इस तरह से बना पाती हूँ, अच्छा लगा मेरा वीडियो, मेरा आज का रेसिपी। तो एक लाइक तो बनता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रात के लिए आप लोग गुड नाइट, टेक केयर एंड स्लीप प्लीज।